नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार एसटीईटी परीक्षा का रिजल्ट और मेरिट लिस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। अभ्यर्थी और शिक्षक संघ सरकार और बोर्ड के ऊपर बहाली में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। कैंडिडेट्स का आरोप है कि मेरिट लिस्ट तैयार करने में फर्जीवाड़ा किया गया है, इसीलिए टीईटी शिक्षक संघ हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे। संघ के प्रदेश संयोजक अमित विक्रम ने कहा है कि बिहार बोर्ड द्वारा एसटेट की मेगा सूची जारी करना और अवैध क्षेत्राधिकार से बाहर है। नियोजन इकाई को ही मेरिट लिस्ट तैयार करने का अधिकार है। टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक अमित विक्रम ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए टीईटी परीक्षा में हुए मेरिट लिस्ट घोटाले के लिए पूरी तरह से बिहार बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बिहार बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मेगा सूची निकाला है। बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से पैसा लेकर मकान का पूरा काम नहीं कराने वालों पर अब गाज गिरने वाली है। बिहार सरकार ऐसे लाभुकों को अब नोटिस भेज रहा है जिन्होंने सरकार से पैसे लेकर भी मकान का काम अभी तक पूरा नहीं किया है। अगर नोटिस भेजने के बाद भी मकान निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया जाएगा तो ऐसे लाभुकों के ऊपर अब सरकार कार्रवाई भी करेगी। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को 3 किस्तों में योजना का पैसा दिया जाता है। इस योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए सरकार के द्वारा 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं। वहीं उग्रवाद प्रभावित जिलों में 1,30,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस राशि भुगतान में केंद्र सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% की हिस्सेदारी निभाती है। जिन लाभुकों को नोटिस भेजा जा रहा है वो ऐसे लोग हैं जो सरकारी से पहली या दूसरी किस्त तक ले चुके हैं लेकिन मकान का निर्माण कार्य अधूरे में छोड़ चुके हैं। से बचाव के लिए दी जा रही वैक्सीन को लेकर मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों की उदासीनता पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। सरकार ने यह ऐलान किया है कि अगर पंचायत चुनाव के उम्मीदवार कोरोना वैक्सीन नहीं लेते हैं तो उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी, लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग को इसके लिए दिशा निर्देश जारी करना है। नई खबर यह है कि चुनाव लड़ने के लिए कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता को पंचायती राज एक्ट में संशोधन के जरिए जोड़ा जा सकता है। सरकार में इसी तरह का एक फैसला साल 2016 में पंचायत चुनाव के पहले किया गया था। सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जिनके घर में शौचालय नहीं होगा वह पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसीलिए एक्ट में बदलाव भी किया गया था, लेकिन बाद में चुनाव के ठीक पहले सरकार ने अपने ही फैसले को वापस ले लिया था। कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता के लिए एक्ट में संशोधन करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में इसे लेकर फैसला लिया जा सकता है और इसी के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी गाइडलाइन में आदेश जारी कर सकता है। यदि अब तक आपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं कराया है तो करा सकते हैं, क्योंकि पैन आधार को लिंक कराने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने इसे अब 3 महीने यानी कि 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया है। 30 सितंबर तक अब कोई भी व्यक्ति अपने पैन को आधार से लिंक करा सकेगा। पहले इसकी डेडलाइन 30 जून थी। जिन लोगों ने अब तक इसे लिंक नहीं कराया है उनके लिए सरकार का यह कदम राहत देने वाला है। अब घर बैठे ही इंटरनेट की मदद से इसे आसानी से लिंक किया जा सकेगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा को 3 महीने बढ़ा दिया है। अब 30 सितंबर तक पैन को आधार के साथ लिंक किया जा सकेगा। पहले इसकी डेडलाइन 30 जून थी। गौरतलब है कि कई लोगों ने अब तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है जिससे उनकी मुश्किलें 30 जून के बाद बढ़ने वाली थी। 30 जून के बाद आधार से लिंक नहीं होने के कारण पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहता। ऐसे में आर्थिक परेशानियां भी लोगों को झेलनी पड़ती, लेकिन केंद्र सरकार के इस कदम से लोगों को राहत जरूर मिली है। बिहार में कोरोना काल के कारण बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप पड़ गई है। ऑनलाइन क्लास में विद्यार्थियों को काफी परेशानी हो रही है, इसीलिए नीतीश सरकार स्कूल और कॉलेजों को खोलने को लेकर पूरी प्लानिंग कर रही है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को उपस्थित रहने को कहा है। इन्हें विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अगले महीने 6 जुलाई के बाद शैक्षणिक गतिविधियाँ शुरू हो सकती है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि चरणबद्ध
चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय महाविद्यालय और विद्यालयों को खोला जाएगा। बताया जा रहा है कि पहले फेज में विश्वविद्यालयों को और कॉलेजों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 6 जुलाई के बाद खोला जाएगा। दूसरे चरण में हाई स्कूलों को खोला जा सकता है जिसमें क्लास 9th से लेकर 12वीं तक के बच्चे शामिल होंगे। साथ ही कोचिंग संस्थान भी खोले जा सकते हैं। तीसरे चरण में प्राइमरी और मिडिल स्कूल को खोलने की बात सामने आ रही है। स्कूल खुलने के बाद कोरोना गाइडलाइन और SOP का पूरा ख्याल रखा जाएगा। स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में फेस मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना, सामाजिक दूरी का रखरखाव अनिवार्य होगा। ईवीएम पर फंसे पेच और कोरोना की दूसरी लहर के कारण भले ही बिहार में पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाए लेकिन अब इसकी आहट दिखने लगी है। माना जा रहा है कि अगस्त महीने में बिहार के अंदर पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं और आयोग अभी से इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी 38 जिलों के DM के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने की। 2.5 घंटे से ज़्यादा वक्त तक चली इस बैठक में आयोग ने ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश की और साथ ही साथ पंचायत चुनाव को लेकर निर्देश भी दिए हैं। जिलों के DM के साथ बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि अगस्त महीने में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए। आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक सभी जिलों में पंचायत चुनाव को लेकर कोषांगों के गठन का निर्देश दे दिया गया है। इसके अलावा सभी जिलों को उनके लिए आवंटित किए गए EVM को दूसरे राज्यों से लाने के लिए पदाधिकारियों का नाम देने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही उन्हें अपने यहां EVM को रखने की व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया है। साथ ही साथ उन जगहों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करने को कहा गया है जहां EVM को रखा जाएगा। नीतीश सरकार ने बड़े तामझाम के साथ 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण का महाअभियान शुरू तो कर दिया था लेकिन अब सरकार के इस महाअभियान की हवा निकलने लगी है। वैक्सीन की डोज उपलब्ध नहीं होने के कारण टीकाकरण अभियान प्रभावित हो रहा है। राज्य के 3 जिले मधेपुरा, शेखपुरा और सहरसा में शनिवार को एक भी वैक्सीन किसी व्यक्ति को नहीं लग पाई। वैक्सीन की किल्लत के कारण पटना के 156 केंद्रों में से केवल 5 पर ही टीकाकरण अभियान जारी रहा। यह 5 टीकाकरण केंद्र वे हैं जिनमें 24 घंटे टीकाकरण किया जा रहा है। सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल अक्सर अपने कारनामों को लेकर चर्चा में रहा है। इस बार कर्मचारियों की लापरवाही के कारण यह सुर्खियों में है। दरअसल कोरोना की वैक्सीन लिए बगैर ही एक छात्रा को सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। 18 वर्षीय छात्रा स्वीटी प्रिया ने वैक्सीन के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई थी जिसके बाद शनिवार को करीब 1 बजे का समय दिया गया था। त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल द्वारा मध्य विद्यालय लालपट्टी स्थित कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाया जाने का मैसेज प्राप्त हुआ। जब छात्रा स्वीटी प्रिया टीका लगवाने के लिए निर्धारित समय पर मध्य विद्यालय लालपट्टी पहुंची तो वैक्सीनेशन सेंटर ही बंद मिला। जिसके बाद जब छात्रा अपने परिजन के साथ त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे और वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने का कारण जानना चाहिए तो अस्पताल में मौजूद किसी भी कर्मचारियों ने इसका उचित जवाब नहीं दिया। थक हार कर छात्रा ने इसकी जानकारी अस्पताल के उपाधीक्षक को देनी चाहिए लेकिन उन्होंने भी मोबाइल पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब तक बिना वैक्सीन लिए छात्रा को कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद छात्रा इस बात को लेकर हैरान रह गई कि बिना टीका लगाए ही कैसे प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। अस्पताल के उपाधीक्षक ने जब छात्रा के फोन को नहीं उठाया तब उसने इस बात की जानकारी जिलाधिकारी महेंद्र कुमार को दी जिसके बाद अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक और कर्मचारियों की आंखें खुली और आनन फानन में अस्पताल के कर्मी छात्रा के घर पहुंच गए और टीकाकरण के लिए मान मनोबल करने लगे। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा टीका लगवा की अपील किए जाने के बाद छात्रा ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। अस्पताल की लापरवाही को देखते हुए छात्रा ने सवाल खड़े कर दिए। छात्रा ने दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर दी। छात्रा को वैक्सीन लगाने के लिए SDM प्रमोद कुमार, प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र दरबे और यूनिसेफ कोऑर्डिनेटर अनुपमा चौधरी छात्रा के घर पहुंचे। टीकाकरण के लिए छात्रा को समझाने की कोशिश की गई। छात्रा के परिजनों से भी इसके लिए बातचीत की गई लेकिन छात्रा ने टीका लगाने से मना कर दिया जिसके बाद अधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों को बेरंग लौटना पड़ा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले की कवायद शुरू हो गई है। 3 साल से एक ही जगह पर जमे अंचल पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी और राजस्व कर्मियों की कुंडली तैयार की जा रही है। इस बार तबादलों में महिलाओं की संख्या, अधिकारियों की रैंकिंग पर फोकस रहेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने परफॉर्मेंस के आधार पर पोस्टिंग की घोषणा की थी। राज मुख्यालय द्वारा जारी मासिक रैंकिंग में 25% से अधिक अंक लाने वालों को ही अंचलों में पदस्थापन किया जाएगा। सबसे बेहतर काम करने वाले पदाधिकारियों को उनकी पसंद की जगह तैनाती की सौगात देने जा रही है।
कोरोना पर ब्रेक लगने के साथ ही चुनाव आयोग ने बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारियों को लेकर शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उनको अक्टूबर नवंबर लक्ष्य कर अपनी तैयारियां शुरू करने को कहा है। आयोग के आयुक्त दीपक प्रसाद ने प्रदेश के सभी डीएम को कहा है कि बिहार में 10 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। नगर निकायों में शामिल क्षेत्रों की जनता को बाहर कर तेजी से पंचायत चुनाव मतदाता सूची तैयार करने को कहा है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सभी डीएम को ईवीएम के लिए वेयर हाउस का इंतजाम करने को भी कहा है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।